गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। वेल दिस इज अ वेरी फेमस 90s और 80s का गाना, जहां पे कुछ हॉरर होता है, लेकिन यहां पे कुछ भी हॉरिफाइंग नहीं होगा, कुछ भी हॉरिफाइंग नहीं होने वाला है। लेकिन डू यू इमेजिन के उस वक्त जब 90s और 80s की मूवीज आया करती थी बचपन में, तो राजा महाराजा कुछ सीक्रेट मैसेज भेजते थे, और वो सीक्रेट मैसेज कोई नहीं पढ़ पाता था। जब उसे एक लैंप के पास में ले जाते और ऐसे कुछ करते थे, देन इट बिकेम विजिबल। आई हैव सीन दीस काइंड ऑफ थिंग्स इन अलिफ लैला आल्सो। ओके, तो आज ही ऐसा कुछ करने वाले हैं। वेलकम माय फ्रेंड, दिस इज योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब टू इट। और आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिससे हमें कुछ खुफिया राइटिंग के बारे में पता चलेगा। वी नीड फ्यू थिंग्स, उसके लिए मैंने एक प्यारी सी सुंदर सी कैंडल ले ली है। आप कोई भी हीट सोर्स घर पे ले सकते हैं। इसके अलावा गाइज, यू नीड अ पेपर, एक प्लेन पेपर ले लीजिए, लेमन, क्योंकि हमें लेमन जूस निकालना है। ये लेमन जूस मैंने रेडी आपके लिए रखा है यहाँ पे, और कॉटन स्वाब, जिससे कान नहीं साफ करने, इट विल वर्क एज अ पेन। ठीक है, इसको मैंने अंदर डिप किया और मैं यहां कुछ लिखता हूं सीक्रेट मैसेज, एंड आपको बताना है कि मैंने क्या लिखा है। अभी आपको इसमें कोई भी मैसेज नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा एयर ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। आप कुछ देर इसको एयर ड्राई कर लीजिए, एयर ड्राई करने के लिए रख भी सकते हैं, ओके। और जब ये एयर ड्राई हो जाएगा कुछ देर के बाद में, A few moments later, उसके बाद में वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज गिव इट हीट एंड बी वेरी प्रिकॉशियस कि पेपर जल ना जाए। तो हीट सोर्स का और पेपर का डिस्टेंसिंग उस हिसाब से आप मेंटेन करिए, ताकि रिएक्शन कैन टेक प्लेस एंड एट द सेम टाइम द पेपर शुड नॉट बर्न। ओके, सो आई एम डूइंग इट। A few moments later. And here we go, my friend. This is the magic that happens now that used to happen many years ago. ऐसे ही राजा महाराजा secret messages किसी को भेजा करते थे कोई code language में, and that's how it gets revealed. It is so beautiful. And you can see this is Oaks. This is your very own YouTube channel. Please do subscribe to it for more such very interesting videos. All right, my curious little scientist. Now let's try and get to know the science behind it. This is not magic. Okay, what happened is this was a citrus fruit. So citric acid is iske andar hai, which is acidic in nature. And this is source of heat. So jab is acid ne heat ke saath mein reaction kari, a chemical reaction took place. Aur saath mein उसने क्या किया, इस कागज यानी कि इस पेपर के जो फाइबर्स हैं उनको वीक कर दिया इस केमिकल रिएक्शन ने, एंड द रिजल्ट वाज इट टर्न्ड ब्राउन वेयर एवर देयर वाज लेमन जूस ऑन द पेपर, हेंस इट बिकेम विजिबल टू यू। सो सिंपल एंड इफेक्टिव, राइट? यू ट्राई इट एट होम, एंड इफ यू आर एबल टू डू इट सक्सेसफुली, प्लीज डू कम इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कमिंग योर वे, आर यू रेडी? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति।